पूरा रॉन्ग। मैं ऐसे कभी नहीं बोला, वो विश तो ही है, था और रहेगा, और अपना ही बच्चा है, और लॉरेंस के ऊपर खाली आरोप लगे हुए। सलमान खान हमारे समाज का पक्का दोषी है। जब भगवान की बोलो, जाजीवाड़ धोरे की, परम पूजनीय आचार्य भागीरदास जी के चरणों में नमन, सभी साधु संतों के चरणों में नमन, और जगदी जी, जगजी गोदारा, जगराम जी, भाई भागर जी, बीरबल जी, और सभी भामाशाह मंच माता बिराजे, और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आज खीर महोत्सव है। इसका बहुत बड़ा फल मिलता है और हर बीमारी इससे हटती है, और खासकर इस जाजीवाड़ द्वारा और भागीरदास जी के हाथ से बनी हुई खीर से हर रोग से मुक्ति मिलती है, ये ऐसा मानना है और पर्चा भी है यहाँ का। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आए हैं तो ये समझो कि ये वास्तव में सच्ची श्रद्धा है, और यहाँ से संकट हर आदमी का मिटता है। और कल की कोई बात है, मैं जयपुर था, मेरे पास मीडिया वाले आए। आजकल मीडिया पे भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल की दौर है। मेरे से इंटरव्यू लिया गया, जो मैं बोला वो तो छापा नहीं गया, और उल्टा छापा उन्होंने लॉरेंस के लिए ये बोला, छापा ये कि भाई विष्णु समाज ने किनारा कर लिया। पूरा रॉन्ग। मैं ऐसे कभी नहीं बोला, वो विष्णु ही है, था और रहेगा, और अपना ही बच्चा है। मैं ऐसे कभी बोलने का प्रश्न ही नहीं है। और मेरे से पूछा गया, मैं आपको सच बताता हूं, मेरे से पूछा गया कि सलमान लॉरेंस दोषी है। मैंने उनको कहा, हमारे समाज का और अदालत से पुष्टि हुआ, दोषी सलमान खान है, और लॉरेंस दोषी इसलिए हो सकता है कि वो जिम्मा ले लेता है। उसके बाद मैंने आज पूरा पता किया, वो सलमान के ऊपर तो दोषी है और लॉरेंस के ऊपर खाली आरोप लगे हुए। सलमान खान हमारे समाज का पक्का दोषी है। जब तक वो समाज से माफी नहीं मांगेगा, हमारे 24 साल से हमारे दिल के अंदर उसका दर्द है। वो जोधपुर आके ब्लैक बक की उसने हत्या की है, और एक समाज से एक व्यक्ति अगर माफी मांगता तो वो छोटा नहीं होता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के सॉरी कहता है तो उसका मतलब दूसरा होता है, और एक आदमी अगर गलती करके सॉरी बोलता है तो उसका मतलब दूसरा होता है, उसे शांति होती है। तो ये उसको जब तक माफ नहीं किया जाएगा, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। दूसरी बात, मेरे से क्वेश्चन किया गया कि ये यूथ जो है वो लॉरेंस को लाइक करते हैं, तो मैंने उनको कहा, क्या वो सलमान खान को लाइक करे क्या? यूथ लॉरेंस के साथ इसलिए है कि सलमान खान ने हमारे धर्म के प्रति विरुद्ध चला है, और उसको आज के नया ब्लड है, और लाइक करता है तो करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, मैंने मीडिया से निवेदन किया, वो बात भी नहीं छापी। मैंने कहा हमारा समाज अहिंसावादी, पेड़ों के लिए 363 मां अमरता देवी के नेतृत्व में शहीद वीर आज तक होते रहे हैं। आज भी पेड़ों के लिए बीकानेर के अंदर 3 जगह धरना चल रहा है, 2-2 महीनों से। बाप के अंदर धरना चला,
खेजड़ी बचाने के लिए इतना प्रयास। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे सामने देखो आप, ये पैदल चल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और पर्यावरण बचाने के लिए चल रहे हैं। और आज भी वन्य जीवों के लिए हर साल एक दो हमारे समाज के शहीद होते हैं, सर्व समाज के शहीद होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश का प्रधानमंत्री हमारे समाज को लाइक करता है और जब भी मौका मिलता है माँ अमृता देवी को याद करता है, गुरु जम्बेश्वर भगवान को याद करता है। और फॉरेन में जाता है, कोई अवार्ड मिलता है पर्यावरण का, तो वो विश्व समाज के नाम करता है। उस जाति को मीडिया टारगेट बना के विश्व गैंग लिखता है, जो बहुत ही खराब बात है। मैं मीडिया से निवेदन करता हूं कि हमारी अच्छाइयों को देखें, न कि हमारी बुराई, तो हमारे अंदर खून में भी नहीं है। और आप इस तरीके से हमारे अच्छाइयों को नकारते हुए विश्व गैंग लिखते हो, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। हम निस्वार्थ भावना से इस पर्यावरण बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हम लोग जो है वो काम करते हैं। हम लोग अगर कोई शिकारी आता है तो हम लोग ये नहीं देखते हैं उस वन्य जीव को बचाने के लिए, ये नहीं देखते हमारे पीछे बच्चे हैं, बिजनेस है, क्या है। हम उसको बचाने के लिए गोली के आगे आ जाते हैं, ये हमारे डीएनए के अंदर है। हमारा समाज अहिंसा वादक है, हम तो कीड़ी को धक्का नहीं देते हैं। ये बेचारा ये क्या करे, ये तो तंग आ गया। और वो अकड़ेल में घमंड, घमंड राजा रावण का भी नहीं चला तो किसी का भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने को अहिंसावादी रहना है। और समाज को सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा की। गुरुजी ने भागीरदास जी के नाम से जो गुरुकुल खोला है मुकाम में, मैं इनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। राजू जी महाराज को, इनके समस्त चेलों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आगे बढ़ो, ये समाज खूब पैसे टेकेंगे, आपको कोई कमी नहीं रखेंगे। आज 5 लाख रुपए मैं महासभा की तरफ से गुरुकुल को लगाने के लिए 5 लाख रुपए महासभा की तरफ से दूंगा, और हर साल 2.5 लाख रुपए 2 साल तक मैं दूंगा। उसके बाद जरूरत पड़ी तो और बढ़ा दूंगा, 5 लाख रुपए भी मेरी तरफ से है। और आप तो गुरुजी, आप तो आगे बढ़ो, गुरुकुल खोलो, जो खोली है उसमें ऐसी शिक्षा दो, संस्कार दो, जो अपने समाज के अंदर वो बच्चे आगे से आगे आगे जाके संस्कार दें, ताकि अपना जो समाज आदर्श समाज है उसमें इस युग की भनक भी नहीं लगे और आदर्श का आदर्श बना रहे। और मुकाम आप लोग आए हो, मैं पूरा प्रयास करता हूं मुकाम की सुंदरता, मुकाम के काम की क्वालिटी और हर ऐसा सुंदर मुकाम बनाया जाएगा जो राजस्थान में कोई भी मंदिर में फर्स्ट नंबर मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम होगा। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, अभी भी मैंने एक एजेंसी से कांटेक्ट किया जो 3D बना रही है, जो अपनी मंदिर के अंदर की दीवारें, मंदिर की जो वाल है उस पे जो लेजर लाइटों से उसके भगवान जम्बेश्वर की तस्वीरें दिखेगी, माँ अमृता देवी, अपने जो अच्छे अच्छे शहीद हुए उनके मतलब अच्छे श्लोक शब्दवाणी, और आगे मुक्ति धाम मुकाम मतलब ऐसा बन रहा है जिसकी लागत आएगी। लागत समाज के पास कोई कमी नहीं है, हर भामाशाह मैं बोलता हूं उसे डबल पैसे देते हैं, कोई कमी नहीं है। अपने मुकाम और समरातल को इतना सुंदर बनाएंगे कि हर आदमी, हर कम्युनिटी का आते हुए उसका कार्ड जो ठट हो जाएगा, क्या गुरु जम्बेश्वर भगवान की तीर्थ स्थली है, क्योंकि हमारा वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और हमारे समाज का उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थल नहीं है उस समाज। और 4 लाइनें मैंने के मंत्री जी के थ्रू बब्बा राम जी को भी मैंने कहा, एक तो बीच की समरातल से मुकाम के बीच की 4 लाइन, एक चारू मेर 4 लाइन विद डिवाइडर, हर हालत के अंदर मेले से पहले पहले सैंक्शन होगी। ये फरवरी वाला मेला आ रहा है, फागुन वाला,
उसे पहले पहले सेंक्शन होगी। और जयपुर की धर्मशाला आज स्टार्ट हुई है, कल से खुदाई स्टार्ट होगी, आज की डेट निर्माण स्टार्ट हुआ है, 12 महीना के अंदर समाज को सुपुर्द कर देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और भव्य, और जिसके अध्यक्ष अपने राजू जी महाराज है जयपुर की धर्मशाला का, ए गटी आवे रसीद लेन आवे जेटे चंदो कटा भोग रही हो हमने, जगह में स्पीड की कमी नहीं हुए। और आज शिक्षा के मामले में आमनो समाज इतो आगे है के हर आदमी आपाऊ एलर्जी कर दूंगा, क्योंकि जटे जाट जटे बिस्तोई क्यों बच्चा मेहनत करे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब आज 4000 बच्चा तो जयपुर के माँ कोचिंग ले रहा है, कोई दिल्ली के माँ जटे जावा जट बिस्तोई है, जो को कम पड़े वो व्यापारी है, साउथ ले नॉर्थ ले जटे भी आमनो कूणी नहीं है बट बिस्तोई मिली आपने व्यापार कर दो वो तो। और नशा, कोई लोग कहे नशा नशा अपने समाज में सबसे अच्छा समाज अपना है, सबसे यूथ अपने अच्छे हैं, कोई नशा वसा नहीं है। नशा पहले अपन देखते थे ए बूढ़िया देखता गायान चदर सबा गमा है अमलू ढुल जाता, आज हमें आमनो गायक मत कोई दाग लगे कोई नहीं लगे, छोटा मोटा कोई है तो सब कम हो जी, इन वास्ते आमनो यूथ बहुत सक्सेसफुल है और समाज बहुत आगे बढ़ेला। और आज 5 साल बाद में देखो ला बच्चा पढ़ाई कर नीति नौकरी पैसे में जाला जिनको कोई मुकाबलो नहीं वेला। और गुड़गांव की धर्मशाला आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कोई हॉस्पिटल कोई काम जाओ गुड़गांव की धर्मशाला बिल्कुल एकदम हमने 5 स्टार टाइप है। और कटे की भी कोई भी सुझाव है हर जगह को तो आप मने पर्सनल दे सको, मेरो आपका सुझाव मेरे सिर ऊपर है, मैं सभी समाज का स्वागत करता हूँ, समाज सर्वोपरि है और समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, समाज सबसे बड़ा है। इसी के साथ हरिद्वार की धर्मशाला उसका भी मैं आपको बताता हूँ, पहले उस पर अपना डॉक्यूमेंटली अपने नाम नहीं था, जो 1 महीने पहले उसको भी डॉक्यूमेंटली अपने नाम हो गई है हरिद्वार की धर्मशाला। और धीरे धीरे सारा काम बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा आपके आशीर्वाद से। इसी के साथ भागीरथ जी के चरणों को नमन करते हुए बोलो गुरुदंबे सर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो चादीवाड़ धोरे।